मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज पर। देखते आज की कुछ खास खबर। अम्बेकर पर फिर धोखाधड़ी का केस दर्ज। गुजरात के कॉस्मो प्लास्टिक व्यवसायी को दिया था नोट बदलने पर भारी कमीशन का झांसा। कुख्यात अपराधी संतोष अम्बेकर द्वारा गुजरात के एक और व्यवसायी को जमीन दिलाने व नोट बदलने के धंधे में ज्यादा कमीशन कमाने का झांसा देकर धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। फरियादी देसाई वार्ड गुजरात निवासी कॉस्मो प्लास्टिक व्यवसायी व प्रॉपर्टी डीलर हेमंत मोहन पुरोहित है। अम्बेकर ने जमीन के सौदे के लिए पुरोहित से चर्चा कर बालाजी फार्म में 25 लाख रुपए जमा करने की सलाह दी। इसके साथ ही नोट बदलने के व्यवसाय में 1 करोड़ का धंधा करने पर 1 लाख रुपए कमीशन का झांसा दिया था। 6 दिन पहले हुई थी गिरफ्तारी। 12 अक्टूबर को ही अपराध शाखा ने अपराधी संतोष अम्बेकर को गुजरात के एक उद्योजक से जमीन खरीदने में 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने व 1 करोड़ रुपए का हफ्ता मांगने पर गिरफ्तार किया है। अम्बेकर ने उद्योजक को पिस्तौल की नोक पर धमकाया भी था। वही अपराध शाखा आकाशवाणी चौक से अम्बेकर को नंगे पैर पैदल ही अदालत तक ले गई थी। पटेल मामले में साथी दंपति भी लगे हाथ। गुजरात की ऑयल रॉ मटेरियल कंपनी के संचालक जिगर पटेल को अम्बेकर ने मुंबई में आउटलेट शुरू करने के लिए जगह दिलाने का दावा किया था। एक जमीन के बोगस दस्तावेज दिखाकर पटेल से 5 करोड़ रुपए का टोकन लेकर सौदा भी किया था। इसमें अपराधी अम्बेकर के साथ उसका भांजा नीलेश केदार भी गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन जांच में मुंबई निवासी दंपति चंदन ओम प्रकाश चौधरी व जूही चंदन चौधरी को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करने पर अदालत ने 23 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेजा है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अब फिलहाल वक्त चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।